क्या आपको भी लगता है कि आप कैप्टन अमेरिका के बारे में सब कुछ जानते हो? तो आप कैप्टन अमेरिका के बारे में कुछ भी नहीं जानते। हाँ, क्योंकि कैप्टन अमेरिका के बारे में ऐसे 10 फैक्ट्स आपको बताऊंगा जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। अगर आप कैप्टन अमेरिका के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो यकीनन आप किसी दूसरे ग्रह पर रह रहे हो, क्योंकि कैप्टन अमेरिका मार्वल के सबसे पसंदीदा कैरेक्टर्स में से एक है। इस वीडियो में जानेंगे कि कैप्टन अमेरिका म्योनियर यानी थोर के हथौड़े को झट से कैसे उठा लेता है, और कैप की ढाल कभी गोल शेप की थी ही नहीं। इससे भी बढ़िया बढ़िया और कड़क फैक्ट्स आपका इंतजार करें इस वीडियो में। तो विदाउट वेस्टिंग योर एंड माय प्रीशियस टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कैप्टन अमेरिका कभी नशे में नहीं हो सकता। हाँ, जिस सीरम ने स्टीव रोजर्स को एक पावरफुल मैन में कन्वर्ट कर दिया, उस सीरम ने कैप्टन अमेरिका की डाइजेस्टिव सिस्टम को इतना मजबूत बना दिया कि कैप को कभी नशा ही नहीं हो सकता। ये सीरम वही सीरम है जिसने कैप्टन अमेरिका जैसे दुबले पतले इंसान को एक पावरफुल मैन में कन्वर्ट कर दिया। दरअसल पहले स्टीव अस्थमा, हाई ब्लड प्रेशर और चिंता की बीमारी से हर समय परेशान रहते थे। सीरम ने स्टीव की हर बीमारी को ठीक ही नहीं बल्कि उनकी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को भी धीमा कर दिया ताकि वे आम लोगों की तरह जल्दी बूढ़े ना हो सके। अगर मैं आपसे कहूं कि कैप्टन अमेरिका को पहले सुपर अमेरिकन कहा जाता था तो इस बात पर थोड़ा यकीन करना मुश्किल हो सकता है, पर यह बिल्कुल सच है। कैप्टन अमेरिका को पहले सुपर अमेरिकन ही कहा जाता था, पर राइटर साइमन ने इस विचार को यह कहकर रद्द कर दिया कि चारों तरफ बहुत सारे सुपर हीरोज हैं और बहुत सारे सुपर हीरोज होने के कारण कैप्टन अमेरिका का नाम सुपर अमेरिकन रखते तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। क्या आपको पता है कि कैप्टन अमेरिका ने एक बार अपना रूप बदल लिया था? हाँ, कॉमिक्स का कैप्टन एक बार मैन एंड वुल्फ में सीए एक वुल्वरिन बन जाता है और वुल्वरिन से मुकाबला भी करता है, और कैप वो वुल्वरिन की वर्दी अभी भी संभाल कर रखता है, लेकिन वो अब थोड़ी सी फट गई है और ये सचमुच शॉकिंग बात है। कैप्टन अमेरिका मार्वल कॉमिक से भी पुराना है। सचमुच यह बात एकदम सच है, क्योंकि कैप्टन अमेरिका मार्वल में आने से पहले रियल में 1941 में टाइमली के कॉमिक्स में दिखाई दिए थे, और फिर कैप्टन अमेरिका पूरे 23 साल बाद एमसीयू यानी मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स में दिखाई दिए थे। कैप्टन अमेरिका थोर के म्योनियर यानी थोर के हथौड़े को चारों तरफ घुमा सकता है, और म्योनियर ही नहीं बल्कि कैप्टन अमेरिका ग्रेनेड वेपन्स और अपनी शील्ड और हर तरह के हथियार को चलाने में माहिर है। कैप ने कैप्टन अमेरिका दी फर्स्ट अवेंजर मूवी में मार्शल आर्ट भी किया था जिसके लिए उन्होंने ट्रेनिंग भी ली थी। और हाँ, कैप्टन अमेरिका और थोर के अलावा म्योनियर को घुमाने की बात तो छोड़ो, कोई उठा भी नहीं सकता। और कैप्टन की शील्ड मार्वल के सबसे पावरफुल वेपन्स में से एक है। वाइब्रेनियम और एडमेटियम से बनी ये शील्ड इतनी मजबूत है कि मैग्नेट को कंट्रोल करने वाले मैग्नेटो भी इसे कंट्रोल नहीं। इस शील्ड को बक्की और सुपरमैन ने भी किया है। कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट अवेंजर मूवी में उन्हें दुबला पतला और बौना इंसान दिखाया जाता है, लेकिन असल में कैप्टन अमेरिका की हाइट रियल में काफी लंबी है। कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट अवेंजर मूवी में कैप्टन को एक बौना इंसान VFX की मदद से दिखाया जाता है, क्योंकि मार्वल के अनुसार कैप्टन अमेरिका 6 फुट 2 इंच लंबा है जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो और प्रिंस हैरी के समान है। अगर मैं आपसे कहूं कि कैप्टन अमेरिका की ढाल या शील्ड कभी गोल आकार की थी ही नहीं बल्कि कैप्टन अमेरिका की शील्ड पहले त्रिकोणीय शेप की थी, लेकिन जब एक कॉम्पिटिटर कॉमिक्स ने कहा कि यह शील्ड मेरे कॉमिक्स वाले सुपर हीरो की शील्ड के समान ही थी, तो फिर शील्ड को चेंज करके गोल शेप का बनाया गया। आज कैप्टन अमेरिका की जगह किसी और को इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल है, मगर उस समय बकी का अगर ऑडिशन सक्सेसफुल हो जाता तो आज हमें क्रिस इवांस की जगह बकी देखने को मिलता। हाँ, बकी ने कैप्टन अमेरिका के रोल के लिए सबसे पहले ऑडिशन दिया था, लेकिन उन्हें कैप्टन अमेरिका का रोल तो नहीं मिला। इसके बजाय उन्हें स्टीव के सबसे अच्छे दोस्त बकी बार्नर्स का रोल दे दिया गया, और बकी ने ये एक्सेप्ट भी किया कि स्टीव का कैरेक्टर उनके लिए परफेक्ट नहीं था। इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैप कैप्टन अमेरिका दी फर्स्ट अवेंजर मूवी में इतने स्पीड और वो भी नंगे पाव दौड़ते दिखाई देते हैं। असल में वे कैप्टन अमेरिका नंगे पाव नहीं दौड़ रहे थे बल्कि मेकर्स के द्वारा एक ऐसा शूज बनाया गया था जो हूबहू नंगे पाव जैसा ही दिखता था, और बाद में इसे VFX के द्वारा रियल दिखा दिया गया था। प्रिंस इवांस जो हमें सड़कों पर इतने तेज दौड़ते नजर आए थे, लेकिन वे दौड़ तो रहे थे लेकिन उनकी स्पीड को बढ़ाने के लिए कार के मेटल से बांधा गया था जिससे उनकी स्पीड थोड़ी फास्ट हो सके। यही वजह है कि कैप्टन अमेरिका इतनी स्पीड दौड़ते नजर आ रहे हैं। अगर आप यहाँ तक आ गए हो मेरी वीडियो को देखते देखते तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पर मेजर अपडेट, फैक्ट्स और मच मोर वीडियोस देखने को मिलती है।